राइफल एक सैनिक की पहली और आखिरी दोस्त होती है। एकमात्र हथियार जो उनके और उनकी मौत के बीच खड़ा होता है वो है राइफल। ये पंक्तियाँ यूएस मरीन कॉर्प्स की राइफलमैन क्रीड में लिखी गई हैं, जो कि बताती हैं कि एक सिपाही के लिए राइफल की अहमियत क्या होती है। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारत ने अमेरिका से 73,000 600 असॉल्ट राइफलों का दूसरा ऑर्डर दिया है। ये डील 837 करोड़ रुपए में फाइनल हुई है। इसके पहले फरवरी 2019 में फास्ट ट्रैक खरीद के तहत भारत ने 647 करोड़ रुपए में 72,400 राइफलों का ऑर्डर दिया गया था, जिसकी डिलीवरी हो चुकी है। इन पहले डिलीवर की गई 72,400 राइफल्स में से पहले ऑर्डर्स में से थल सेना को 66,400, एयरफोर्स को 4,000 और नेवी को 2,600 राइफलें दी गई थी। ये राइफलें चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात पैदल सैनिकों को दी जा रही हैं। ये धीरे धीरे इन सारे राइफलों की जगह ले लेंगी। 600 राइफल्स की दूसरी खरीद को दिसंबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC ने मंजूरी दे दी थी। इसकी डिलीवरी के बाद भारतीय सेना के पास 1,45,000 से ज़्यादा 600 राइफलें हो जाएंगी। 600 राइफलें दुनिया के सबसे कामयाब ऑटोमेटिक राइफलों में से एक है। इनकी लंबाई 34.39 इंच यानी 3 फुट से थोड़ा कम होती है और इसकी फायरिंग रेंज 500 मीटर की है। इसका वजन मात्र 3.58 किलोग्राम होता है और इसमें 7.62x51 mm की बुलेट लगती है। 600 राइफल 685 राउंड प्रति मिनट की गति से फायर कर सकती है और इसकी एक मैगजीन में लगभग 20 गोलियां आती हैं, जो कि इससे बहुत ही लथल वेपन बनाती हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं को लगभग 6.5 लाख ऑटोमेटिक राइफलों की जरूरत है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए साल 2018-19 में भारत ने रूस से AK-203 क्लाश्निकोव राइफलों का ऑर्डर दिया था। इसके लिए इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाकर अमेठी के कोरबा में इसकी फैक्ट्री लगाई गई थी। इस फैक्ट्री से अभी तक 35,000 क्लाश्निकोव राइफलें भारतीय सेना को सप्लाई भी की गई हैं। रूस से हुए समझौते के मुताबिक अमेठी की इस फैक्ट्री में अगले 10 वर्षों में 6 लाख राइफलों का निर्माण किया जाना है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से AK-203 राइफलों के निर्माण के लिए आवश्यक कलपुर्जों की कमी हो गई है, जिसकी वजह से भारत ने अमेरिकी 600 राइफलों को मंगाने का फैसला किया है, क्योंकि युद्ध की स्थिति में छोटे हथियार ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि भारत ने रूस से AK-203 क्लाश्निकोव और अमेरिका से 600 ऑटोमेटिक राइफलों के अतिरिक्त सेना के लिए 40,949 से लगभग 41,000 LMG यानी लाइट मशीन गनों का भी ऑर्डर दिया है। भारतीय सेना की इन तैयारियों को देखकर लगता है कि वो जंगी तैयारियों में दुश्मन देशों से कतई पीछे नहीं रहना चाहती है, क्योंकि सेना की मजबूती ही देश की सुरक्षा की गारंटी है। जय हिंद, जय भारत।